Hello and welcome to NDTV Hindu. You're watching the news at this hour with me, Evelyn Matthew. Plenty brewing across the state assembly, the nation and the world at large. Let's head straight to the headlines to bring you the top stories we're tracking. Heated arguments erupt at the Andhra Assembly. The opposition stages a walkout demanding action against the Rao brothers. The Minister for Mines responds with a no. Pro-Telangana activists taking out a million-man protest in Hyderabad clash with the police and try to break through barricades. Our top story this hour, the Andhra Pradesh Assembly today witnessed a huge uproar over illegal granite quarrying across the state. Members of the opposition demanded a CBI inquiry against the Rao brothers for the business they've been involved in. Heeding to their demands, the Minister for Mines, Kottapetai Subbarao, has now promised to kickstart full-fledged inquiry against Duo. Over the last week, the Assembly has been holding several discussions. चर्चा है कि बिना लाइसेंस के राव ब्रदर्स वाले ग्रेनाइट की खुदाई कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बात है, आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाते? टीवी में न्यूज़ देखा? कानून के खिलाफ काम करेगा तब जनता चुप नहीं बैठेगी। सर सीबीआई इंक्वायरी कब होगी? सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज, इस विषय में और कुछ बता सकते हैं आप? सिक्योरिटी गेट खोलो। क्यों, क्या बात है? हाँ ना, गेट खोलो। आप वारंट दिखाइए, मैं तभी खोलूंगा। अरे गेट खोलो। मालिक के ऑर्डर के बिना मैं नहीं खोलूंगा। सर ओनर के बिना गेट नहीं खोलेगा सर। सर ही इज नॉट ओपन द गेट। हेमंत सब बताता हूँ, हजारों बार मैंने उनकी मदद की, जब मांगा तब उन लोगों को कितना पैसा दिया पता है? जब भी कोई मुसीबत आती है तो मेरे पास मांगने के लिए चले आते हैं, ये लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं। एक काम करो, घर में जितना भी रुपया और गहने हैं सब कहीं और शिफ्ट कर दो जाएगा। ओके करता हूं भैया। और जितने भी फोन से डिस्कनेक्ट करो सारंग, घर में जितने भी लेडीज है उन्हें एक ही कमरे में रहने के लिए बोलो। मेन गेट लॉक किया? हां, जाओ जाके चेक करो। ओके सर। हेलो कौन है तुम लोग, तुम्हें अंदर किसने भेजा? इस घर से कोई भी कम्युनिकेशन बाहर नहीं जाएगी। अरे, मेरा सवाल का जवाब दो। लैंड लाइन डिस्कनेक्ट करो। एमएफ हुसैन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फ्रॉम सीबीआई। कृष्ण बाबू, एडिशनल कमिश्नर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तुम कौन हो जो मेरे घर में आकर यहाँ चलो वहाँ चलो बोल रहे हो? सुनिए ये सब क्या हो रहा है, आप चुप क्यों बैठे हैं? ए रुको, तुम सब कौन हो, मेरे घर क्यों आए हो? मैडम कुछ मत बोलिए, चुपचाप बैठिए। तुम कौन हो, दूर होकर बात करो। प्लीज मैडम, दूर से बात करो। बोल रहा हूँ ना, दूर से बात करो। डोंट बिहेव लाइक दिस, प्लीज कोऑपरेट। मेरे बीवी का ऑर्डर देने वाला तुम कौन है? तुम्हें जो भी बात करना है मेरा वकील से बात करो। इस पल से ये घर हमारे अंडर में और अंदर कोई घुस नहीं सकता, तुम भी किसी को कॉल नहीं कर सकते हो। गॉट इट? फोन ले लो। फोन दीजिए। तुम कौन हो? इस एरिया के इंस्पेक्टर है, मैंने कभी नहीं देखा। डेप्यूटेड फॉर द स्पेशल ड्यूटी। क्या भैया कितना गड़बड़ हो रहा है, आप चुप क्यों बैठे हैं, कुछ तो बोलिए। Give it, sir. Hello. Sir, you can proceed. Srinivas, उन्हें अंदर लेके जाइए, please. आइए. आप यहाँ चेक कीजिए. आप दोनों मेरे साथ आइए. आप दोनों मेरे साथ चलिए, please. मैं क्यों? हाँ, तुम मेरे साथ चलो. जब तक ये रेड खत्म नहीं हो जाती, कोई बात नहीं करेगा. चुपचाप बैठिए.
इन कंपनियों में आप दोनों ही पार्टनर्स हैं या आपकी वाइफ भी पार्टनर्स है? स्क्रीन के पीछे भी चेक करो, अगर वो भी पार्टनर्स है तो उनकी कमाई के जरिए क्या है? सर हाँ? मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो भी पार्टनर्स है तो उनकी कमाई के जरिए क्या है? वो खानदानी प्रॉपर्टी है। ओके, आई वांट योर कंप्लीट आईटी रिटर्न फाइल्स। मेरे 20-25 कंपनी है, फुल डिटेल चाहिए तो मेरे ऑडिटर से बात करो। आपके बातों से मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? पानी पीना चाहिए। आप बैठिए, मैं मंगाता हूँ। अरे इनके लिए पानी लाओ। ओके सर। प्लीज सिट डाउन सर। सर आई वांट द डिटेल्स इमीडिएटली, अदरवाइज आई विल टेक सीटी सेक्शन। चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? लुक ऑल ऑफ यू लिसन, इन ब्लैक मनी और ज्वेलरी का ध्यान रखना, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। ओके, जो कुछ इन्फॉर्मेशन है पूरा हो गया है। और अब सर आपका काम पूरा हो गया? सर वन सेकंड सर, सब कुछ ठीक है, ये चेक करके आप साइन कर सकते हैं। अगर कुछ मिस हो गया तो इसकी जिम्मेवारी मेरी होगी। साइन कीजिए, साइन प्लीज सर। सर सर मैं आपसे पर्सनली कुछ बोल सकता हूँ? कोई बात नहीं, कुछ भी हो सबके सामने बोलिए। ये सब यहीं खत्म कर देते हैं, आपको जितना परसेंट चाहिए ले लीजिए। हाँ सर। क्या रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं आप? मुझे अपना साझेदार बनाने की कोशिश ना करें, लोकल पुलिस समझ रहे हैं क्या? साइन प्लीज। हेलो, एवरीथिंग इज ओवर सर। फर्दर इंक्वायरी करनी है आप दोनों मेरे साथ अभी चलिए प्लीज, इन्हें हमारी गाड़ी में लेके आइए। ओके सर। सर हम लोग एक इज्जतदार आदमी हैं, हमको हमारी गाड़ी में आने दीजिए ना। सर ऐसा नहीं हो सकता, यू प्लीज कम विद मी। फोन लाओ। आपको ठीक आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंचना होगा। टीवी देखा? पूरा आपका मैटर चल रहा है यार, पूरा असेंबली हिल गया यार। सुनो, अपोजिट पार्टी प्रेस मीडिया तो सवाल करेंगे ही, जवाब दो, हमसे लेकर खाते हो ना। अरे कम से कम इसके लिए तो जवाब देना चाहिए। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई सुब्बा राव? नमक का हक तो अदा करो। यो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बक रहे यार? क्या बक रहा हूँ? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। CBI और इनकम टैक्स वाले घर पर आकर सब कुछ लेकर चले गए। सुब्बा राव ये मत सोचना कि मैं अकेला फंसूंगा, वो जो हाई डिस्क लेकर गया है ना उसमें तुम्हारा नाम भी CM के साथ है। अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें और ऑफिसर को नहीं छोड़ूंगा, इतना समझ लेना। अरे क्या आदमी है तुम, पॉलिटिशियन में क्या सीखा तुम? अरे CM ने सही करे इंक्वायरी किया होगा क्या? सच में सब सफल हो गया क्या? अगर राइड होने वाली बात होती मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता ना। अरे खाली एंट्री दिया आज राइड पड़ गया, झूठ बोल रहा हो? राव दाल में काला है, किसी ने तुम्हें चीट किया है। ये काम करो, इंक्वायरी करो। हेलो राव। क्या हुआ भैया? हेलो राव। हेलो राव। क्या हुआ राव? ये क्या बोल रहा, सुन रहा राव? हार्ड डिस्क में मेरा CM का नाम है, तभी हम एस्केप कैसे होना हम जानते। अरे बात पा रहा है, इसके पहले ही पता लगा वो कौन था, नहीं तो
सीएम से बात करने वही मुझे। तब मेरे घर आया कौन था? वो कौन है तुम पता लगाओ, ये तुम्हारा काम है। भैया भैया, ऑफिसर कौन था, एड्रेस क्या है, सब पूछिए। ये क्या भैया, उस ऑफिसर का एड्रेस पूछे बिना फोन क्यों काट दिया? जो आया था वो ऑफिसर नहीं था। क्या? हाँ दादा, हमारे टीम में ऐसे आदमी कोई भी नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है मैंने भी इसे कहीं नहीं देखा। तुमने देखा? तुमने देखा है क्या? कहीं नहीं। अरे यार, अरे तुमसे पूछना ही बेकार है, नहीं जानता है। उसको देखने से मुझे लगता है कि वो पढ़ा लिखा है। सही बोला। ए, आजकल पढ़े लोग इस तरह का कितना काम करता है यार। दादा कन्फर्म ये अपन का एरिया का नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? भैया सब लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं, इतने जाने के बाद में कोई आपके घर में घुसेगा क्या? सही बोला, आपकी पावर से वाकिफ ये काम नहीं कर सकता। जरूर हो, बाहर का आदमी है दादा, बाहर ही ढूंढना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से एक तोहफा, हिंदुस्तान से एक छोटा सा मेमेंटो। प्लीज। क्यों आदि, मुझे बच्चा समझा क्या? मेरे खिलौने लेकर आए हो, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? तुम हंसोगे तो वो भी हंसेगा, और तुम जो भी करोगे वो भी करेगा। इस इट Very nice, sir. Here's your drink, sir. And for you, Adi. Please have. Come on, let's enjoy the drink for the moment. Yay! Thanks for the hospitality. Share to lao. Right. Take it. इतना ही शेयर दोगे? सभी डॉलर्स में है। ये बहुत ही कम है। No, no, no. As usual, it's 30%. Right? Am I right? इस बार मुझे 50% चाहिए। पर क्यों? हमने कितने माल लूटे हैं तुम्हें पता है, फिर इस तरह क्यों? आदि, मास्टर प्लान मेरा था और उसे एक्सिक्यूट करने वाला मास्टर ब्रेन आप उनका था। क्यों आदि, एक ही दिन में ऊपर आना चाहते हो या ऊपर उठ जाना चाहते हो? ऐसी क्या इंटरेस्टिंग है उसमें पूछ रहे थे ना? तुम कहोगे तो हंसेगा और मैं कहूंगा तो फटेगा। वो डॉल ही मेड इन इंडिया है बॉस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंडरकार डीएक्स मेड इन जर्मनी है। और रहे रिमोट की बात, एक खरीदा तो एक फ्री में दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? उससे दुश्मनी करके क्या हम धंधा कर सकते हैं? यार जब हमने पैसे कमाने की ठान ली तो इस बारे में सोचना नहीं चाहिए।
इस धंधे में किसके साथ दौड़ रहा है ये मत देखो, कौन आगे बढ़ता है वो देखो। अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो? उससे पहले हम आगे बढ़ जाएंगे। तुम्हारा मतलब? इस बारे में सोचकर तुम क्यों शौक हो रहे हो? हम दोनों को कोई तकलीफ दिए बिना सैम खुद एक प्लान बनाएगा। अब इसका ज्यादा दिन जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। कैसी हो माँ? आखिर कब तक इस तरह चुप रहोगी माँ? मैं 10 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ, एक बार भी तुम मुझसे मिलने नहीं आई वहाँ। माँ अब दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? माँ माँ बात नहीं करेगी? तुम तो सिर्फ यही सोचो कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में गलत काम कर रहा है। इसमें कोई बुरा नहीं है माँ, मेहनत करके जीने के लिए हम इस शहर में आए ना। वो आदमी हमारा सब कुछ लूटकर भाग गया था ना। जब हम लोग सड़क पर बेसहारा होकर खड़े हुए थे तब मुझे बहुत दुख हुआ था माँ, और उसी दिन मुझ में कमाने का जुनून सवार हो गया माँ। जब मैं मुश्किल में था तब तुम मेरे साथ थी माँ, और आज जब मैं कमाने लगा तो तुम बहुत दूर रह रही हो मुझसे। आओ माँ आकर देखो ना मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कमाया है, और वहां जो कुछ भी है तुम्हारे लिए और प्रभा के लिए माँ। हाँ तुम्हारे बिना पूरा घर सूना सा लगता है माँ, आखिर तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो माँ? Thank you. Welcome. What's your name? Adi Chambulal. Look at the camera. Your name? आपका नाम पूछ रही है माँ? इंदिरा सुंदरमूर्ति. Look at the camera. यहाँ? विभा. तुम्हें काम करने के लिए बोल के प्रभा कहाँ चली गई? ट्यूशन पढ़ने गई है। ये लो। इतने सारे पैसे? नौकरी मिल गई है। कैसी नौकरी? उसे क्या मतलब? आज से तुम और प्रभा सुख से रहो। इतने सारे रुपए किसका है? ऐसा क्यों पूछ रही हो माँ? मेरी कमाई के पैसे हैं। किस रास्ते से? नहीं आदि, अपने पिता की तरह मत बनना। वो गलत काम करते थे इसलिए उन्हें छोड़कर तुम दोनों के साथ इस शहर में आई हूँ शराफत से जीने के लिए। अब तू भी वही काम करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, किस लिए शक कर रही हो मुझ पे? यहाँ पैसा कमाना बहुत ही आसान है। तुमने अब झूठ बोलना शुरू कर दिया है। चाहे कोई सा भी शहर हो, मेहनत करके इतना पैसा नहीं कमा सकते। बकवास बहुत हो गया, आप पैसों को जाकर अलमारी में रखो। पैसों की अहमियत नहीं जानती हो तुम। चलो प्रभा खाना लगाओ।
ये क्या, तुम पागल हो गए माँ? माँ रुको, मेरी बात सुनो माँ। हे प्रभा, तुम भी माँ के साथ भटकना चाहती हो क्या? माँ प्लीज मेरी बात सुनो। चुपचाप मेरे साथ चल, आज से वो मर गया अपने लिए। What do you have? We have peanuts and buffalo wing. Hmm. Get me peanuts. Sure, sir. One second. Oh God. Sorry. Sorry. Really sorry. I'm sorry. Are you blind? तुम्हारी नजर यहाँ होनी चाहिए. Get out of my sight. Idiot. Hey, come and clean this up, man. Sorry, sorry, gentlemen. Sorry, sorry.
कहाँ है? राव साहब, कहाँ है वो? कोल्डर, 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 वो अंदर ही है, आइए, आइए, आइए। कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? किधर गया वो? राव साहब, साइलेंट, क्यों चिल्ला रहे? कीप क्वाइट। नाम मनीष रेड्डी है और रिकॉर्ड क्रिमिनल है ये। लास्ट वन ईयर से धंधे में नहीं था और फिर से आ गया। सुनो, अफसर उजर के बारे में जानना चाहता हूँ, इसके बारे में किसने पूछा? बहुत बड़ा, फिर भी कहता कुछ नहीं जानता। कमीना, बताता क्यों नहीं? हिम्मत रहो, हिम्मत रहो, मार क्यों रहे? कौन से एरिया में हो, तुम्हें कैसे मालूम? सच कहता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। बचपन से ही मैं पुलिस वाला बनना चाहता था, इसलिए वो काम किया मैंने। 3 लाख रुपए और पुलिस वाले की वर्दी देगा, इसलिए वो काम करने के लिए मैं तैयार हो गया और उसी काम में लग गया। उसको बोला मत मारो, एक हफ्ते में ट्रेस करके बताऊंगा। नहीं कहा था कि एक हफ्ते में बताओगे? शांति रखिए, एक हफ्ते में पकड़ कर ले आऊंगा और 3 महीने कर दिए, उसे लेकर आओ। मैं आपका काम करूंगा, जो आप बोल रहे हैं उसका नाम क्राइम लिस्ट में नहीं है। 2 दिन का मोहलत और दीजिए, उसे किसी भी तरह पकड़ के आपका हवाला कर दूंगा। That's for you, and that's for you. Tissues, and this is for you, and one for you too. What do you want? This? Huh? Okay, this is for you. Subai, 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 Subai. So cute. Thank you, sir. Sir, can I take the order, please? I will order later. Yes, sir. What would you like to have, sir? Sir, what would you like to have, sir? What would you like to have? Sir, आप क्या लेंगे? Sir, क्या लेंगे आप? कल तुम्हारे बॉस तुम्हारा बहुत दुख हुआ क्या? वो लेकिन क्या लेंगे सर? सवाल के जवाब में सवाल कर रही हो तुम? सर, वो आपका मतलब का नहीं है, आपको क्या चाहिए कहिए। One second. सर जल्दी बोलिए, बॉस बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, बोलो, दुख हुआ क्या? Jenny, please attend him. Get me a scotch. Anything else? Just get. Sure. Anything else? This is your bill amount. What is this? तुम्हारे लिए? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ।
Hey. Mm-mm. Go. मेरा नाम करिश्मा है, मैं तमिलनाडु की हूँ। पापा मुंबई के हैं। पापा को बिजनेस में हेवी लॉस हुआ, इस कारण कई परेशानियां पीछे पड़ी है। पिछले 3 साल से वो बेड पर है, इसलिए मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। उस दिन रेस्टोरेंट में मारने वाला और कोई नहीं है, मेरा रिश्तेदार ही है। पहले वो ठीक था, लेकिन अब वो मेरे जरिए पैसा कमाने के लिए मुझे टॉर्चर कर रहा है। मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती, इसलिए मैंने मरने का फैसला किया। लेकिन किस्मत वाली नहीं हूँ, मुझे उसका भी मौका नहीं मिला, मुझे यहाँ उठा कर ले आए। आगे से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं जो हूँ ना। इस बार तो आपने बचा लिया, अगली बार भी आप मुझे बचाने आएंगे इस बात का मैं वेट नहीं कर सकती। थैंक्स। मैं नहीं जानती। मैंने पूछा कौन था वो? नहीं जानती। मुझसे झूठ मेरे साथ नाटक करती है, वो सबको मार के तुझे बचा के ले जाएगा और तू कहेगी तू उसे जानती भी नहीं है। मैं नहीं जानती। रात को भाग के कहाँ गई थी? ये देख, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, वरना इसी शहर में मैं तुझे मार डालूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, चाहे तो मार दो। इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा। तू क्या सोचती है, एक ही के साथ बाकी की जिंदगी बिता लेगी तू? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। हर 6 महीने में मैं तेरा ग्राहक बदलूंगा, तभी मैं कमाई कर सकता हूँ। He's come again. He's the one.
ए, क्या तू ही है वो? तू कौन है मैं तेरे बारे में नहीं जानना चाहता। उसकी कीमत जानता है तू? नहीं जानता ना। फोकट में खीर खाना चाहता है क्या? Hey you. Yeah. दोबारा तूने इसे फॉलो करने की कोशिश की तो टपका दूंगा तुझे। काफी पैसे देकर मैंने तुम्हें उसके जंगल से छुड़ाया, इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी भर तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तुम्हें जो भी ठीक लगे, जिसके साथ रहना बेहतर लगे, रह सकती हो। इसका फैसला तुम करो। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, जाने बिना आप मुझे वहां से ले आए? अगर आप मुझे वहां छोड़ दिया होते मैं बर्बाद हो जाती, शायद मैं मर भी जाती। आपसे ज्यादा सुरक्षित जगह मुझे इस जीवन में मिलेगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती। आपको मेरे पास भेजने के लिए I just have to thank God। मुझे आशीर्वाद देने का भी तुम्हारा मन नहीं हो रहा ना? हाँ? जाओ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ माँ। आशीर्वाद ना सही, मरने की दुआ तो करो माँ, इस बात की तो तुम्हें खुशी होगी। तुम समझ रहे कि तुम्हारा बेटा मर चुका है? इसे कहते हैं माँ की ममता। तू कौन होता है? मेरा बेटा तो मर गया। मतलब मैं तुम्हारा ही बेटा हूं ना? नहीं, मेरा एक बेटा था, वो गोद में मुझे और अपनी बहन को कंधे पर उठाता था, लेकिन यहां आकर मैंने उसे खो दिया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करके आ रही हूं कि वो मुझे उसे वापस दे दे। तेरे जैसे गुंडे को वापस नहीं मांगा, वो ये सूट कोट नहीं जानता, वो बहुत मासूम है, लेकिन तू इस शहर का जाना माना क्रिमिनल है। तू और वो एक नहीं है। अगर फिर से मेरे बेटे के बारे में कुछ गलत कहा, चल बेटी। Today is something special. Throw your sorrows away. कोई भी तुम्हें छोड़कर चला जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी।
हैप्पी बर्थडे, हैव इट। Delay, why do you deny? Come on. There's nothing wrong with me. Yeah, come. Please. You love me, isn't it? Say me you love me or not. Yeah. Hey, come on, please. Once, only once, please. Hey, come on, please. Once. Hey, come. Hey, come on. Hey, come on. Hey, you want a staff? Give me a staff, man. Hey, but. Hey, public place, mat maro. Hey, you're a jagat. चुप रहो ना, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना। What the hell is happening here, man? Oh, why are you looking dead? Speak up, man. What happened here? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? This is enjoying fun time. Do you know? Don't waste my time. Tell me, what do you want? वो मेरी बहन है। तो मैं क्या करूँ? वो तो मुझे पहले ही बता चुकी है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या तुम उसे लव करते हो? No. वो मुझे बहुत प्यार करती है। पूछने चाहिए तो? True love है। क्यों बेबी? भैया को नहीं बताई क्या? क्यों? उसके साथ घूमना तो तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? बताओ। अब मैं उसे किस करने लगाऊं? तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? ए कम ऑन, कम ऑन, सच्चा प्यार है ना, एक बार किस करे, किस करने दो ना, करने दो ना, कम ऑन बेबी। हे, तुम्हें ये पसंद है क्या? हाँ पसंद है। ये तुम्हारे लायक नहीं है। वो मैं देख लूंगी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये हुई ना बात। और तुम इतनी बड़ी भी नहीं हो। तुम्हें जितनी रकम चाहिए तुम इसमें भर सकते हो, और उसे छोड़ दो, वो बहुत ही नादान है। देखो, तुम चुप करो। ठीक कहा तुमने। तुम फिल करो। सेटलमेंट चेक। यू गिविंग मी मनी? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? पैसे के लिए तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ समझते हो क्या? नो। I've been to German, Russia, Thailand, all the countries, you know? But first time, एक इंडियन लड़की मेरे को पसंद आई। I love India, that too, from my heart. क्या समझते हो मेरे बारे में? मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। Keep it. चेकबुक उठा लो। पगली। रखो। यही तुम्हारी चाहत है? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। इसके साथ तुम खुश नहीं रहोगी? छोड़ दे। तुम्ही ने तो कहा था यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। मुझे फोर्स मत करो, ये सुधर जाएगा। मैं इसके अलावा किसी दूसरे के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। That's my sweet baby. Oh, मामला यहाँ तक पहुँच गया। I like that. Good baby, good brother. क्या कर दिया तुमने? प्रभा, मैंने तेरे भले के लिए किया प्रभा, वो तेरे लायक नहीं था। अरे सुनो मेरी बात प्रभा, प्लीज प्रभा मेरी बात सुनो। कुछ नहीं हुआ प्रभा, वो तेरे लायक नहीं था प्रभा। उसे भूल जाओ, तुम भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ उसे। माँ कहाँ जा रही हो? आपको अपने बेटे पर गुस्सा है? मतलब मुझसे बात नहीं करेंगी? बड़े भाई के हैसियत से उसने कुछ भी नहीं किया,
इसने अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढा, उसे भी उसने मार दिया। आप गलत समझ रही हैं अम्मा, आदि ने प्रभा की भलाई के लिए ही किया है। वो खुद अच्छा नहीं है, वो दूसरों के लिए क्या अच्छा करेगा। आप खुद ऐसे बोल रही हैं? तो कुछ मत बोल। जिस दिन से तेरे साथ हुआ है उस दिन से वो गुमराह हुआ और आज खूनी बन गया। ये देखो बेटी, तुम कौन हो मैं नहीं जानती, लेकिन कम से कम तुम्हारे साथ वो वफादार रहे। हर बार आप इस तरह उन्हें छोड़कर चली गई, इसकी वजह से आदि ऐसे हो गए। अगर आप उनके साथ रहकर उन्हें समझाती तो वो सुधर जाते। थोड़े दिन इंतजार कीजिए, आप जिस आदि को देखना चाहती है उसे मैं आपके पास ले आऊंगी। या बोलो आदि, कहाँ हो? फ्लोटिंग मार्केट ही आ रहा हूँ। वहाँ नहीं आदि, शिपयार्ड आना। क्या आदि? शिपयार्ड? हाँ। I have a surprise for you. चेंज किसने किया? कल मैं तुम्हारी माँ से मिली। One second. ठीक है। तुम्हें उनसे मिलाने का वादा किया है। चले। कल चलेंगे। नहीं अभी चलते हैं। वेट करना, मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है। मुझे काम है। नो प्रॉब्लम, काम खत्म करके चलेंगे। मैं कहाँ जा रहा हूँ पता है तुम्हें? Yes, I know. But I don't want to interfere in your business. सेम, obviously हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा। क्यों? उसको पता चल गया है कि आदि वह हमारे साथ नहीं है। So? इसलिए वो आदि से डायरेक्ट डील करेगा। इस बात को हम यूं ही छोड़ देंगे तो आदि हमारे सभी क्लाइंट को हमसे छीन लेगा। फिर हम लोग एकदम बर्बाद हो जाएंगे। उसकी मीटिंग कंफर्म हो गई। कहाँ? सेम। विस्ली और उसकी टीम यहाँ है, लेकिन आदि नहीं है। तुम वहीं वेट करो, आदि जरूर आएगा। हाफ एन आवर यहीं इंतजार करो, कुछ भी हो बाहर मत आना। से भीड़ शुरू हो गई। आई एम आदि। डील शुरू हो गई। गो गेट हिम। या लेट्स मूव। I'm leaving soon. I've come to you on trust. Do you know the risk involved in this? Yeah. Do you know the place where you're going? I know. If they find you involved, you'll be a dead man. Huh? पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है अपुन। पैसों के लिए अपुन तुझे भी मार सकता है। If someone gives money, I don't mind killing you too. That's interesting. I like you. Adi, if you make it successfully this time, I promise to give you equal share in all honesty. Are you okay for that? आदि, आदि, आदि क्या हो रहा है वहाँ?
कहा ना, कार के अंदर जाओ जाओ। Thank you.
चित्र भी बनाती हो तुम? ये मैं हूँ। तुम ऐसे होते तो अच्छे लगते। अगर उस दिन तुम वहां नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैंने तो यही सोचा कि मैंने तुम्हें मुसीबत से बचाया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को बचाने के लिए साहब हैदराबाद कमिश्नर ने आपसे मिलने के लिए दो लोगों को भेजा है। बुलाओ साहब। बुलाओ। ठीक है सर। नमस्ते साहब, आपकी मदद के लिए हम हैदराबाद से आए हैं। मेरा नाम गोवर्धन राव, ये मेरा भाई हेमंत राव। क्या करना है इसका? जॉइंट कमिश्नर राजगोपाल ने बोला है इसे ढूंढना है। इसको पकड़ने के बाद हमको इन्फॉर्म कीजिए। मैं इसको खोज रहा हूँ मारने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए नहीं। बहुत दिनों से घुमा रहा है, आज तक हाथ नहीं आया। अब ये यहाँ नहीं है, ये मुझे पता है, मगर ये जब भी मुंबई आएगा मेरे ही हाथों मरेगा। साहब थोड़ा कंसीडर कीजिए, हमारे वो जिंदा चाहिए। सुनो, अगर यही बात करने के लिए आए हो तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सर प्लीज। चुप। ओए, इनको यहाँ से बाहर करो। इसके पास अपना एड्रेस छोड़ के जाओ। उस कमीनी को मारने के बाद इन्फॉर्म करता हूँ, आकर उसका डेड बॉडी देख लेना। ये क्या भैया, उसे पकड़ कर देने के लिए कहा तो वो उसे मारने पर दुला है, अब ऐसा लगता है उसे इससे बचाना होगा। थोड़ा शांत रहो, पहले हमें ये पता लगाना होगा कि यह उसे किस लिए ढूंढ रहा है, और वो जरूरी है। ये बताओ वाकई में मैं तुम्हें पसंद हूँ? तुम इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हो? इसी वक्त, इसी पल शादी करोगी मुझसे? क्यों, मेरे साथ जीने में डर लगता है तुम्हें? तो फिर आज तक मैंने जो कुछ भी चाहा जीवन में मुझे नहीं मिला। जो सोचा भी नहीं था सब हो रहा है। अगर तुम्हारी ये बात पूछने पर मना करती हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगी। फिर क्यों रो रही हो? My father is in final stages, वो मुझे देखना चाहते हैं, लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर जाना, आई कांट, मेरा मन नहीं मानता। तुम उसकी फिक्र मत करो, पहले जाकर अपने पिता को देखो, बाकी मैं देख लूंगा। मैं अकेली गई तो पूछेंगे आप कहाँ हैं, वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। ये तुम्हारे लिए प्यार से लाया हूँ। फोन बज रहा है। कौन? पिताजी। हेलो पिताजी। हाँ आ रही हूँ। हाँ उनके साथ ही हूँ। हाँ हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट। हेलो, जस्ट अ सेकंड। मैं फोन अटेंड नहीं कर रही हूँ तो तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या वो पास में ही है? हा? रानी तुमने समझ क्या रखा है, एक हफ्ते से फोन क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारी मर्जी से फोन नहीं कर सकती, तुम्हें पता है मैं किस हालत में थी, उसे लेकर आने में कितनी कॉम्प्लिकेशंस पता है, सब इतनी आसान नहीं है।
मैं वो सब नहीं जानता। कमिश्नर और मिनिस्टर का प्रेशर मैं नहीं सह सकता। आई एम गोइंग क्रेजी, आई कांट बैंग माय हेड एनीमोर। बार बार एक ही बात को क्यों दोहरा रहे हो? मैंने कहा ना, मैं उसे लेकर वहाँ आ रही हूँ। बस आज एक दिन तू संभाल लो, मैं कल उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। सी, द सिचुएशन इन मुंबई इज वेरी सीरियस। उसे ढूंढते हुए हैदराबाद से दो लोग आए थे, उनके पास अटके बिना तुम सेफली यहाँ पहुँच जाना। ओके? मुझे किसी के एडवाइस नहीं चाहिए, मैं अपना काम बिल्कुल सही कर रही हूँ। आज के बाद कुछ भी मिस नहीं होगा। बेकार में मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं मौत से डरने वालों में से नहीं हूँ। अब तुम ये देखना कि मुंबई में क्या होता है। बचा लो, प्लीज प्लीज बचा लो, मुझे मत मारो। भगवान से किस्मत करना, वो बहुत भोला भाला इंसान है। मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोला था, अपने जीत के बारे में बोला था। माँ कसम सच बोल रहा हूँ भगवान दादा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला था भगवान दादा, सच बोल रहा हूँ भगवान दादा। माँ कसम सच बोल रहा हूँ भगवान दादा, मुझको यकीन कीजिए, मुझको यकीन कीजिए। कहे भगवान से तू सकते ना, वो मेरा आदमी है। भगवान मान जाओ, भगवान उसको विश्वास करो, मान जाओ, वो अपना आदमी है। सच बोलता हूँ भगवान दादा, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला। अरे चुप, डोंट शाउट। मैंने दिल के बारे में बोला था भगवान दादा, सच कहता हूँ, माँ कसम आपके बारे में कुछ नहीं कहा मैंने, सच कहता हूँ, यकीन कीजिए दादा, यकीन कीजिए भगवान दादा, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझ पर यकीन करो दादा, मुझ पर यकीन करो। भगवान नहीं नहीं, उसे कुछ मत करो भगवान, उसे माफ करो, कुछ मत करो भगवान, तुम मेरा आदमी है। खूब तुमने एक मासूम को जला दिया, तुमने अच्छा नहीं किया भगवान, मासूम का खून बहा दिया तुमने बेवकूफ। कमीना कद्दार, माफी मांगते ही माफी देने के लिए मैं वो भगवान नहीं हूं, मुंबई का भगवान हूं। Thank you.
ले चलो। नमस्कार, आज का मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री बाजीराव के भाई और कई लोगों के खून करने वाले भगवान नामक अपराधी को कल रात पुलिस ने मंचगांव डॉकयार्ड के पास दबोच लिया। पुलिस सूत्रों से ऐसी खबर मिली है। इस सिलसिले में जब पुलिस कमिश्नर राणा से हमारे संवाददाता ने पूछा, तब सर सुनने में आया है कि कल रात आपने भगवान को अरेस्ट कर लिया है, क्या ये सच है? हाँ, आप जो कह रही वो सच है। कल रात हम उसे चेस कर रहे थे लेकिन वो चकमा दे गया। लेकिन वो कहाँ छुपा है हमें एक छोटी सी जानकारी मिली है, उसे 2-3 दिन में हम पकड़ लेंगे। सर सर सर, आप 6 महीने से यही बताते जा रहे हैं, भगवान जिंदा है या उसको एनकाउंटर कर दिया? सी आई कांट आंसर ऑल योर फॉल्स इमेजिनेशन। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं उसे जिंदा या मुर्दा आप लोग के सामने ले आऊँगा। सर आप झूठ बोल रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट से मिली हुई खबर के मुताबिक आप भगवान का अरेस्ट करके इसी बिल्डिंग में रखा हुआ है और सीक्रेट से इंक्वायरी भी कर रहे हैं, ये बात कितनी सच है सर बताइए। आइए आइए, आप में जिस किसी को भी सको अंदर आके देख सकते हैं, आइए। मैं आपके सभी सवालों का जेन्युइनली जवाब दे रहा हूँ। भगवान को हमने अरेस्ट नहीं किया, बेकार में शक मत कीजिए, उसे पकड़ लिया तो सच में आप लोगों को बताएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, कैन वी बिलीव यू इन दिस टाइम? मुंबई का भगवान, इसे कुछ मत करो भगवान, भगवान के लिए छोड़ दो भगवान। हराम खोर कुत्ते, इसे कहां से पकड़ा? उससे तुमको कोई मतलब नहीं मिला लाल, ये वही आदमी, इतना विश्वास आया ना? अपना गेटअप चेंज करके घूम रहा था कमीना साला। ए बैग खोल, तू भी खोल। राणा देव, ये सारा पैसा आपका है, मैं इस कुत्ते की मौत की खबर सुनना चाहता हूँ, और पैसा चाहिए तो कह दीजिएगा। बंद कर, ए बंद कर। क्या मीठालाल, ऑफिस में आके पैसे दे रहे हो? क्या साहब, इसमें क्या फर्क पड़ता है? शाम को मैं खुद आके ले लूंगा। ठीक है साहब। ए बागला, तूने इसका साथ दिया था, तू भी इसके साथ ही मर साले। चलो मीठालाल, वो भी मरेगा। आइए सर, इसकी अरेस्ट के बारे में प्रेस जानती है क्या? और कोई जगह नहीं मिली तुमको? सिर्फ जगह सर। आइए सर, आइए आइए सर, आइए। ए स्काउंड्रल, तू मेरा पावर छानता नहीं, मैं तुम मार कर ही रहूंगा। बोलो ना, क्यों मार रहे मुझे? अरे बोल ना, क्यों मार रहे मुझे? अरे क्या देख रहा है? तेरा अब जिंदा रहना किसी के लिए अच्छा नहीं है, मैं तुझे खुद मारूंगा। लीव मी, छोड़ो मुझे। साहब छोड़ो, साहब आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो, प्लीज लिसन टू मी सर, कंट्रोल योरसेल्फ। जिस दिन मेरा भाई मरा था उसी दिन इसको खत्म कर देना था। साला बहुत चालाकी से भाग निकला। सर आप मेरी बात सुनिए, इसे ऑफिशियली मैं खत्म करूंगा। खत्म करोगे? सर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, पहले आप गन दीजिए सर प्लीज। क्यों मत सोच के तू बच गया कमीने, मैं तुझे मार कर ही दम लूंगा। सर सर क्या है? पानी पीऊंगा। अरे तू, अरे बोल के जाना। 2-3 दिन रख कर इसका जा डालोगे? अभी खत्म करो ना। बोल, पूछ रहा ना। अरे बोल, कौन है तू? अबे कहाँ जा रहे हो? तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो बोलो? ओए, तुम जो सोच रहे हो वो आदमी मैं नहीं हूँ। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? कुछ भी कहो वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। तू कौन है? कौन है तू? तू जानता है मुझे यहाँ लाकर क्यों रखा है? बोल। जानता हूँ। जानता है तू? तो बता, मेरी करिश्मा के साथ क्या किया? बता बता। किसके बारे में पूछ रहे हो? वो बैंकॉक से तेरे साथ आई, वो तेरी प्रेमिका है क्या? उसका नाम करिश्मा नहीं, रानी शर्मा है।
क्या तू उसे पहले से जानता है? तूने उसे देखा है? मैं जानता हूँ तू कौन है, वो कौन है, तू यहाँ कैसे आया ये भी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि हम दोनों मरने वाले हैं। मरने वाले हैं? अरे लेकिन मैं क्यों मरूंगा बोल। हमारी तकदीर लिखा किसने? भगवान। भगवान? ऊपर वाला भगवान नहीं, मुंबई का भगवान। वो माफ कर देता है लेकिन इसके पास माफी नहीं है, क्योंकि ये भगवान के नाम से शैतान है। कौन भगवान बोल, कौन भगवान? I'ma kill you, man. Come test me. Come test me. Cheer. Let's go. Yeah. OG, king of the jungle, name who could stop me? Y'all be thinking that I'm tripping, but I'm really ready. Maserati body, anybody coming looking for me? Anybody step into my zone, you're not leaving. Annihilate, destroy anything in my path. I'm a psycho, an animal, I kill with the wrath. Send my mind on my money and my money on my mind. No time for the honey, cause the money on the grind. I'm a hustler, baby, originated gangster, boss. Killing everybody but the banker, pause. You wouldn't turn this beat into a monster. They call me Bhagawan. You better get to know the name. They call me Bhagawan. I take your life in a flash. Call me Bhagawan. All around the world they call me Bhagawan. You better get to know the name. They call me Bhagawan. I take your life in a flash. Call me Bhagawan. और मुझसे मिलने चले आए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। क्या लोगे भगवान, ब्रांडी या विस्की? रोमियो ऑलवेज लाइक रेड वाइन। रानी व्हाट अबाउट यू? नो थैंक यू। ओके फाइन। योगिता ए ग्लास ऑफ रेड वाइन एंड स्कॉच फॉर मी। आपने फौरन मिलने के लिए क्यों कहा? तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पिछले 25 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन पिछले 15 साल से बस एमपी हूँ। मेरी पार्टी के हर आदमी की जो चाह है वही मेरी इच्छा है, मरने से पहले एक बार सेंट्रल मिनिस्टर बन जाऊँ। इससे पहले दो बार ये मौका हाथ से निकल गया, लेकिन अब तीसरी बार खुद वो मौका मेरे पास आया है। कांग्रेचुलेशंस डार्लिंग। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या? बात यह है कि फाइनल लिस्ट में भैया का नाम दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर तमिलनाडु के एमपी वेंकटाचलपति का नाम है। तो बहुत पावरफुल आदमी है, पीएम को उस पर बहुत भरोसा है। एक बार मिस हो गया तो दोबारा ये मौका मिलेगा भी या नहीं कह नहीं सकते। देखो भगवान, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, ये मत समझना कि ये मैं उसके बदले में करने के लिए कह रहा हूँ। मैं मंत्री बनूं ये तुम्हारे ही हाथ में है। परसों को वेंकटाचलपति की पीएम से मीटिंग है। Hey babe, I want ice cubes. I know. अपने हाथों से लेकर आओ ना। जाओ। हमें कब तमिलनाडु जाना है? आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, वो यही मुंबई में है। Ice cubes. We tried all the possible ways. मैं बहुत से लोगों से पूछ चुका हूँ, लेकिन हमसे नहीं हुआ। थैंक्स। दहिसर का खतरनाक दादा देवा की सिक्योरिटी में है, और देवा कहाँ है पता नहीं। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ देवा कहाँ पर है। चलें। रानी बिना कुछ कहे ही जा रही हो? Oh,
हे भगवान डार्लिंग, यहाँ पे क्या फैशन शो चल रहा है क्या? जलसा करने के मूड में नहीं हूँ डार्लिंग, होती तो रात को तेरी जोरू के पास आ गई होती ना। खलास करूं क्या या बताओगे वो एमपी अभी कहाँ है? सच में मुझे मालूम नहीं भगवान। मुन्ना कोटा रूम नंबर 300। थैंक्स डार्लिंग। ये क्या, एमपी तो सो रहा है, कारण जाने बिना ही ये मर जाएगा ना। कुछ देर वेट करते हैं। हेलो, मैं कुमार बोल रहा हूँ। 9:30 बजे की फ्लाइट कंफर्म हो चुकी है, उठ जाइए नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके सर। सर इवनिंग पीएम के साथ अपॉइंटमेंट है। बहुत टेंशन है यार। कौन हो तुम? डार्लिंग प्रातः काल का नमस्कार। तुम लोग अंदर कैसे आए? रिसेप्शन में क्या हो रहा है? ना 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 ना, ये क्या एमपी से मंत्री बनने वाले हैं? क्या हो रहा है, ये जाने बिना सो रहे हैं? 6 घंटों से वेट कर रही हूँ मैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या जवाब दे रहा है? तेरी जात का, वो सब छोड़ो। दिल्ली जाने वाला तू मुंबई क्यों आया है? चेन्नई से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है क्या? अरे दैया, भगवान तुझे सपोर्ट कर रही है क्या? गोली नहीं चली, मैं नहीं, ऊपर वाला हनी। बैठो बैठो। वेंकी डार्लिंग, ये जो बाजीराव है ना, उसकी एक बुरी आदत है, जब भी कुछ चीज चाहिए तो जिद करने लगता है मुझसे। तुम राजनीति में कब आए हो? यूं 1,000 करोड़ कमा लिए होंगे ना? ये बस नहीं है क्या? मंत्री बनकर और भी कमाना चाहता है?
बहुत ही भोला है बाजीराव, कुछ दिन उससे भी मंत्री बन के रहने दो ना, बहुत हो गया, अब ऊपर जाओ, नरक में लोगों की कमी है। थैंक यू हनी, टाइम खत्म। बस सुनो, वो भगवान नहीं, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत, मैं बोल रही हूँ डार्लिंग, मारना मत मुझे। All around the world they call me Bhagawan. You better get to know the name, they call me Bhagawan. I'll take your life in a flash, call me Bhagawan. All around the world they call me Bhagawan. You better get to know the name, they call me Bhagawan. I'll take your life in a flash, call me Bhagawan. यही कारण है कि आपके लिए ऊपर खास पार्टी का अरेंजमेंट किया गया है। होप यू लाइक इट, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, बैठिए। हकला मनोज, यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर पार्टी एंजॉय करो, कम ऑन, गो गो। रानी, मेरा ब्लेजर कैसा है? इट्स नाइस। तुम्हारा ड्रेस भी बहुत अच्छा है। यू लुक सो प्रिटी। यू नो रानी, वी बोथ हैव सिमिलर ड्रेसिंग सेंस। ऑल माय ड्रेसेस आर फ्रॉम लंदन एंड पेरिस। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो टू लंदन, आई विल डेफिनेटली बाय द बेस्ट डिजाइनर ड्रेसेस फॉर यू। Miss Rani, you know, today I bought a Ferrari car. The car is really awesome. Ma'am, here is your drink. Babe. Sir? Is there a fag? I'll get it for you. No, no. Main aa raha hu. Please have it, sir. No, no. Just तेरी हाथों से ओपन करो। तुम ही ऑटम के बीच रख दो ना। ये सब क्या हो रहा है रानी? तुम इसे कैसे टॉलरेट करती हो? हैं? तुम जैसे सुंदर लड़की के पास होते हुए भी भगवान ऐसे क्यों करता है? तुम बहुत गलत जगह पर हो रानी। मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। 5 साल पहले तक मैं भी एक बार गर्ल थी। तब जिसने भी मुझे देखा यही कहा कि मैं उनसे प्यार करूं। सबसे पहले जो मुझे प्यार किया वो भगवान था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी त्याग करूंगी। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं बस इतना कहना चाहता था कि यह सब मेरे सामने होता देखकर तो कभी भी मैं चुप नहीं रहूंगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ I am very sorry अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया हो तो। रानी, इफ यू वांट एनीथिंग एनी टाइम आई एम देयर फॉर यू।
Hi, honey. Waiting for me. Sorry I left you alone, sweet yaar. Please, yaar. I really tried to control, but I couldn't, my sweetheart. Next time I won't do this, okay? I love you so much. Will you please forgive me? रानी को भगवान से बहुत प्यार था। वो मंत्री के भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसी हालत में एक दिन जरूरी डील करनी है कहकर हमें होटल बुलाया। कामे। सुशील, इसलिए मुझे बुलाया? ऐ रानी, तुम मुझे नहीं समझ रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझो। मैं भगवान की तरह नहीं हूँ। आई लव यू, आई लव यू। गलती कर रहे हो। हैं? ए, मुझे यहाँ उठाकर क्यों लाए हो? हैं? क्यों लाए हो? ए, भगवान, ये बात मेरे भाई को पता चल गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तूने मेरे सिपाहियों को छुआ तो मैंने छोड़ दी। But how dare you touch my queen? It's too bad. Hey, baby, तू मेरे साथ प्यार नहीं करोगी? अबे चुप रह। तूने मुझे मार। यार किंग, तू अपनी चाल चल। चलो 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 go 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 go. भगवान भगवान, सॉरी भगवान, देखो उसे कुछ मत करना। वो पीकर बहक गया है। इसे मैं देख लूंगा। इसकी बात का बुरा मत मानो, मैं देख लूंगा। प्लीज बेवकूफ, ऐसी हरकत क्यों करता है? ए, चुप। तुझे पता नहीं है कि तू किससे बातें कर रहा है? बस एक बार इसे मेरे लिए माफ कर दो। माफ कर दो ना प्लीज। ऐसे क्या गिड़गिड़ा रहे हो? क्या वो उसकी बीवी है? बकवास मत कर। ये शहर की सारी खूबसूरत लड़कियों को देख सकता है, फिर मैं इसकी जाने मन को देख लिया तो इसको क्या प्रॉब्लम है? ए ब्रदर, मुंह बंद रख। पागलों की तरह क्या बकबक कर रहा है? इससे क्यों डर रहे हो? ये भी तो इंसान है, केवल नाम का भगवान है। तू मुंह बंद करके चुप रहना, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। भगवान, तुम इसकी बात का जरा भी बुरा मत मानना। मुझे तुम्हारी हमेशा जरूरत रहेगी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। खोल रे, खोल, जल्दी करो। भगवान, इसमें 10 करोड़ है। और चाहिए तो और दूंगा। देखो भगवान, ये 30 है। और चाहिए तो और दूंगा। क्यों, ठीक है ना? रानी, मंत्री जी बहुत पैसे दे रहे हैं, इसे बख्श दूं क्या? इतने सारे पैसे, पैसे 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 पैसे, इतने सारे पैसे, क्या महक के पैसों की। मेरी जिंदगी में पैसों की बहुत अहमियत है। सबके लिए मुख्य भगवान। इससे भी ज्यादा अहमियत मेरी खुशियां है। इन दोनों से भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अहमियत मेरी रानी ही है मेरे लिए। ये क्या मैं नहीं जानता भगवान? वो ये है कि बाजीराव, तुम्हारा ये जो लल्लू भाई है ना, ये क्या कर रहे हो भगवान? भगवान की मेरी बात सुनो। अरे साहब, क्यों क्या कर रहे हो? तो भला मैं कैसे खामोश रह सकती, बोलो ना। वो भाई नहीं, कसाई है। तुमसे मन से माफी मांग रहा हूँ ना, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान? भगवान, ये क्या कर रहा? मैंने तुझे मंत्री बनाया, लेकिन तेरे भाई ने क्या सिला दिया मुझे? तो पागल हो गया। क्या करेगा तू? वाह, मैं क्या करूंगी? क्या करेगा? सुशील, All around the world they call me Bhagawan. You better get to know the name, they call me Bhagawan. I take your life in a flash, call me Bhagawan. मंत्री के भाई की हत्या के बाद मंत्री बहुत ही गुस्से में आ गया। उसके बाद बाजीराव और भगवान में दुश्मनी बढ़ गई। अपनी पद का फायदा उठाकर बाजीराव ने भगवान को एनकाउंटर में मारने का ऑर्डर दिया कमिश्नर को। केंद्रीय मंत्री बाजीराव के भाई के खून के अलावा भगवान पर अब तक 18 केसेस दर्ज हैं और हम लोग उसे राज्य के कोने कोने पर ढूंढ रहे हैं। हमने सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया। भगवान या उसके साथी इस शहर को
या राज्य को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ये बात पक्की है कि हम भगवान को किसी भी हालत में भागने नहीं देंगे। हमें पूरा यकीन है कि हम उसे जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेंगे। तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। कब तक छिपे रहोगे सरकार से? समझाओ भगवान को कि जल्दी सरेंडर कर दे। मिनिस्टर बाजीराव ने भगवान को मारने का फैसला कर लिया है। इस बात में हमारा डिपार्टमेंट भी बहुत सीरियस है, इसलिए सरेंडर होना ही बेहतर होगा। तुम क्यों बकवास कर रहे हो? Have you gone mad? उस पर क्यों गुस्सा हो रही हो रानी? मैं अपनी दुनिया देखने जा रही हूँ, अपनी जिंदगी में फिर से जीऊंगी। I want to be a free bird in this world. Hey, पागल हो तुम? देखते ही गोली मार देंगे, समझे? कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। अरे, भगवान को मौत छुएगी? मुझे मारने वाला भी कोई पैदा हुआ है? तुम सबको मारने के लिए ही मैं पैदा हुई हूँ। रानी, उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। इधर देखो भगवान, तुम जैसे सुरे हो, बाहर की हालत वैसे नहीं है। ऐसी भगवान को सरेंडर होने के लिए कह रहा था। ऐसी हालत में हमने तुम्हें पहली बार देखा। हमारे एक साथी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया। धीरे धीरे तेरी जिंदगी बदलने लगी। तूने मुझे छक्का समझ के रखा है? तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं फंसने वाली नहीं। अरे भगवान, मैं तुम्हें एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। तू जिंदा रहना चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। मैं तेरा दोस्त हूँ। हेलो, मैंने कुछ भेजा है। तू समझता क्यों नहीं? चुप कर, बहुत बोलता है तू। चेकिंग, वेयर इज इट? भगवान एकदम डुप्लीकेट है, ध्यान से देखना। इसका नाम आदि है और ये अभी बैंकॉक में है। I am trying to explain the situation again and again, but still you don't understand. तुम्हें कोई नहीं समझा। ए राणा, shut up. क्या कहा तुमने? ये बाहर आएगा तो मारा जाएगा, भगवान बाहर आएगा और मर भी जाएगा। तुम सब के लिए मरेगा, पर ये नहीं। हे, इसके साथ रह के तू पागल होगी क्या? श्श, कम। ऐसे एक हालत में ही हम सबों ने तुम्हें पहली बार देखा। भगवान जैसा एक और आदमी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये कौन है? कहाँ रहता है? बैंकॉक में, लेकिन कौन पता नहीं, जल्दी पता लगाएंगे। यह सब ठीक है, लेकिन यह यहाँ कैसे आएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? कौन उसे यहाँ लाएगा? ए तू, तू, ए रोमियो, तू। रानी, मैं उसे लेकर आऊंगी। रानी, इसमें बहुत रिस्क है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसे साथ लेकर आऊंगी, नहीं तो वहीं मर जाऊंगी। ऐसा कहकर रानी बैंकॉक आई। उसके बाद तुम जहाँ जहाँ जाते थे, उन जगहों पर तुम्हारी नजरों में आने के लिए लगातार तुम्हारे सामने आती रही। तुम भी मजबूर होकर उसकी जाल में फंस गए। ओके, ओके, कम ऑन बॉयज। मंत्री के प्रेशर के कारण ही तुम्हें मुंबई लाया गया। भगवान की जगह पर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। तुम मारे जाओगे, उसके बाद वो आराम से भगवान के साथ रहने के सपने बनाने लगे। लोगों को पूरी तरह विश्वास हो जाए, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ मारने का इरादा रानी ने कर लिया। Thank you.
हाय बैंकॉक बेबी, कैसे हो आदि? क्या हुआ, मुंबई वैसी नहीं है जैसे तुमने सोचा था? सब अलग है ना? तुम्हें पूरी कहानी बागला ने बता दी होगी ना? सुनो आदि, तुम जो क्राइम कर रहे थे वो सब छोटे छोटे बच्चों की तरह थी। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? बोलो। तुम नहीं जानते, पहली गलती मेरे भगवान के रूप में पैदा होना, दूसरी गलती दीवानों की तरह मुझसे प्यार करना। नो, उस दिन तुमने क्या कहा? अपने को बचाने के लिए मुझे साथ लेकर आए थे। मैं तुम्हारे साथ तुम्हें बचाने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए रही। मरने वाले हो इसलिए परेशान मत हो, क्योंकि तुम कब के मर गए होते। तुम्हें कई बार मैंने बचाया। आदि, तुम इस धंधे में कैसे आए? तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए। सबसे पहले मुझे पहचानने वाले तेरा पार्टनर रेशमा, वो लिवी ही था। आदि नहीं है? ऊपर सो रहा है। ठीक है, मैं बाद में आता। वो मुझ पर बस शक करके छोड़ सकता था, पर वो मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया, बेवकूफ। इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है जानते हो? आखिर तक वो कुछ भी नहीं जान पाया और तुमसे भी कुछ नहीं कर पाया। दोनों में से एक काम भी नहीं किए बिना ऊपर चला गया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उसे भेज दिया। डू यू नो समथिंग, तुम कभी भी मेरे दिल में नहीं थे। मैंने अगर कभी तुम्हें टच किया तो उस समय भी मेरे दिल में भगवान ही था, समझे? तुम्हें एक बात पता है, भगवान अक्सर कहता है कोई भी इंसान को बिना कारण जाने नहीं मरना चाहिए। इसलिए यू आर अ वेरी 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 लकी गाय। नाउ यू नो एवरीथिंग, यू विल रेस्ट इन पीस। इसमें दुख की बात यह है कि जब तुम मरोगे तब मैं और भगवान भारत में ही नहीं होंगे। तुम्हारी समाधि को देखने का चांस ही नहीं है। सो माई हार्ट फेल्ट एडवांस कॉन्डोलेंसेस एंड विशेस विशेस। क्या कह रहा है? उसे छोड़, वो एक मारा हुआ सांप है। क्या उस कमिश्नर ने और मंत्री ने मान लिया कि ये भगवान है? उसमें परेशानी नहीं है? हाँ, यकीन करेगा, कोई परेशानी नहीं। बहुत समय मत लेना, काम जल्दी खत्म करो। वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन भगवान कहा है वो जानकर तुम क्या करोगे? जैसा मैं कहूंगी वैसा करो। ओके, इट्स ओके। यादव, कोई है तो नहीं? कोई नहीं है सर। कम ऑन। क्या ऐसी भी भगवान को कभी खत्म करेंगे? सर, फॉर्मेलिटीज हो रही है, बिना ऑफिशियल परमिशन के और सीएम के परमिशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहे तो सीएम से बात करूं? जरूरत नहीं है सर, कल डीजीपी ऑफिस से लेटर आ जाएगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। बहुत लेट कर रहे हैं, कल कैसा भी उसको खत्म कर रहे हैं। ओके सर, ओके। Ask everyone to be alert, okay? Okay, समझे? ठीक है सर। सुखराम, कमिश्नर का फोन आया तो कहना कि इंक्वायरी के लिए लेकर गया। Okay सर। सब सेल फोन ऑफ करो। Okay. मास्क लगाओ। तू भी इधर आओ।
ऐ सुनो, उससे जो भी पूछता है पूछ कर जान लो। ओनली 3 आवर्स। है पैसा? पैसा कहाँ है? गिनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ऐ उसे नीचे उतारो। महीने से हमें पागलों की तरह शहर शहर भटकवा रहा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जब तक सच्चाई नहीं बताता। नहीं छोड़ूंगा। बता कमीने, तुझे इतने आसानी से छोड़ दूंगा सोच रहा है? बता मेरा पैसा और डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? आदि बोल रे। बोल रे, बोल कुत्ते बोल। बोलता क्यों नहीं? बोल। तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। बता कहां है मेरे डॉक्यूमेंट्स और कहां है मेरा पैसा? उसमें से कुछ ही मेरे पास है, बाकी सब सैम के पास है। वो कहां होगा इस समय? वो इंडिया में नहीं है। अब तुझे पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। इतना मारने के बाद भी नहीं बताया, अब कहाँ बताया? टाइम हो गया, उसे समय पर लेकर जाना है। सर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, वो जरूर बताएगा। अरे बोल ना। बोलेगा कि नहीं? बोल। बोलने से पहले तो सच बोल। दिखाई नहीं देता भैया? उसे छोड़ना मत, भागने मत दो, पकड़ो उसको। भैया क्या हो गया? भैया 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 क्या कर रहे
अच्छा तुम हो, जल्दी अंदर आओ, जल्दी आओ। ये लो मलेशियन पासपोर्ट, बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। उस फोटो की तरह इसको रूप बदलने के लिए कहना, तभी भागने के लिए आसानी होगी। जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता देखो, बेकार में यहाँ वहाँ घूमना मत, समझे? मेरी बात समझ में आई? ए, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, लेकिन बेकार में ऑर्डर मत करना आप उनको। अरे यार ये बहुत बकवास कर रहा है, इसको यहाँ से लेके जा। अरे इसको जल्दी यहाँ से लेके जा। ए, अपन तुझसे बकवास कर रहा है क्या? तो ही अपन को जाने बिना कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है। बोलना, पुलिस के हाथों से बच के इसी खुश हो? तुम्हारी मौत टल गई, दैट्स ऑल। क्या बोला, कुछ समझा नहीं? आदि शंभूलाल, तुम किसकी बदौलत यहाँ खड़े हो, और जो तुम्हें मानना चाहता है वो फिलहाल यहीं पे है, इंडिया से बाहर नहीं गया। भगवान और उसकी रानी अभी यहीं पे हैं, उनकी नजरों में मत आना, माइंड इट। बहुत सावधान था फिर भी भाग गया, सबको धोखा देकर भाग गया स्काउंडल, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बताने के लिए तुम यहाँ आए? तुम्हें शर्म नहीं आती, इडियट? इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ रानी? एक एसपी के नाते मैं तुम्हारी सब तरफ से मदद कर चुका हूँ, इसलिए आज सस्पेंड होकर घर पर बैठा हूँ। अपनी बेवकूफी के कारण सस्पेंड हुए हो, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आदि तुम्हारे कारण बचकर भाग गया। रानी मेरे पर गुस्सा क्यों कर रही हो? मजाक नहीं है, 6 महीने जान पर खेलकर उसे बड़ी मेहनत से यहाँ लेकर आई, गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? तुम्हारी वजह से सबका टाइम वेस्ट हो गया, मारकर उसकी लाश तुम्हारे हवाले करनी थी। बेकार में तुमने ही कहा था कि ऑफिशियली मिनिस्टर के सामने मारेंगे, तुम्हारा स्टूपिड प्लान की वजह से मैं भी डाइवर्ट हो गई, इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। क्या क्या क्या? मैं ही कारण हूँ, मुझे गलत साबित कर रहे हो, तुम दोनों क्रिमिनल्स हो, मैं नहीं, समझे? और ध्यान से सुनो, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं जानता हूँ उसे कैसे पकड़ना है। पागल, दिमाग फिरा दिया। इसने बड़ी मेहनत से उसे यहाँ लेकर आई, और तूने पैसों की लालच में उसे भगा दिया। तू क्या समझता है हम तेरी बातों में आकर उसे छोड़ देंगे? भगवान मुझे छोड़ दे, मेरी बात सुन, उसे पकड़े से तुझे बचा सकते हैं, कम से कम उसके लिए मुझे जिंदा रहना होगा। जो कह रहा हूँ उसे समझो, इसीलिए तुम्हारी भलाई। झूठ बोलता है साला। फेंक दो। भगवान जैसे शैतान तुमने पहले कभी देखा नहीं होगा आदि, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ, हमें फौरन इंडिया छोड़ के जाना होगा। जरूर अपन को उससे मिलना है। नहीं आदि, बेकार में मुसीबत में मत फंसो। उन दोनों ने अपन को बहुत तंग करके रखा है। अरे वो क्या कहा करते थे? अरे भाई भगवान की लौंडिया कहा करते थे कि कारण जाने बिना किसी को मरना नहीं चाहिए। अब दोनों कारण जानने के बाद ही मेरे हाथों मरने वाले हैं इसी शहर में। आने दे भगवान, it is time to see you. या तो अपन इस गोवा में मरेगा, या फिर अपन उन दोनों को मार के उनकी कब्र बनाकर यहाँ से चला जाएगा। अब हमारे पास समय नहीं है, आदि escape from the encounter, you know, so हम लोग गोवा में एक हफ्ते के लिए वेट नहीं कर सकते, कल ही हमें इंडिया से बाहर जाना है, उसकी तैयारी करो, समझे? इतना टेंशन क्यों ले रही हो डार्लिंग, be cool। आदि के बारे में तुम नहीं जानते हो, वो यहाँ जरूर आएगा। रानी तुम उसे डर क्यों रही हो? क्या वो ओसामा बिन लैडन है? उसने तुम पर जादू जो किया है, तो क्या उससे मेरा दीदार नहीं कराओगी? प्लीज एक बार मेरी बात मान लो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। रिलैक्स डार्लिंग, वो यहाँ आएगा और मेरे हाथों मरेगा।
तब तक लेट अस चिल आउट, स्माइल। किस उम्मीद से तुमने कहा था कि रानी यहाँ पर आएगी? दुबई वाले सिराज से मिलने वाली है, ऐसा उनकी टीम के विक्टर ने ही मुझसे कहा था। मैं कहता हूँ रानी यहाँ जरूर आएगी। कहीं वो गलत इन्फॉर्मेशन देकर हम दोनों को डाइवर्ट तो नहीं कर रहा? सिराज आ चुका है, रानी भी जरूर आएगी, इसीलिए सब इंतजार कर रहे हैं। मैं एक घंटे में आऊंगी, फिर वो क्या कर रहा है? इसलिए इस सिचुएशन में डील नहीं होगी, मैं यहाँ हाफ नर से ज्यादा नहीं रुक सकती। गुस्सा मत हो रानी, सिटी में पुलिस की बहुत टाइट सिक्योरिटी है, इसलिए हम लोग लेट हो गए। ये सब बातों के लिए टाइम नहीं है, आदि और बागला किसी भी टाइम हमें ढूंढ सकते हैं। अमाउंट बराबर है ना? We'll be right back.
पुलिस से बच गए थे तो जान बचाकर बैंकॉक भाग सकते थे ना दी। यहाँ किस लिए आए? Why? You want to see me? हाँ? क्या डार्लिंग, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? कुछ दिनों के लिए मैंने तुम्हारे साथ ट्रैवल किया, दैट इज व्हाई तुम्हारी मौत नहीं देखना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मरने की जल्दी है। का भगवान आजा, आप उनको टपकाने का प्लान बना रहे थे तू? अरे तेरी रानी को आपने ऊपर भेज दिया, तुझे भी ऊपर जाना होगा। आजा। तुमने क्या किया, मुझे ही छोड़कर चली गई।
धा धा धा।